स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन नाजिर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हार गई। अगर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ख़ासकर ये देखा जा रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी पर बड़े सवालिया निशानात उठते दिखाई दे रहे हैं। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट काशिफ फारूकी साहब, जाफर हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी आज कल के मैच पर जो हुआ है उस पर पूरे मैच के हवाले से पोस्टमार्टम भी करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, कल का मैच हुआ, कैसा देखा कल के मैच को आपने? अब क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब एक दूसरे के मैचेस जीतने हारने और बारिश के मुंतजर रहेगी कि शायद पाकिस्तान 92 वाली कहानी दोबारा रिपीट होती दिखाई देगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शहजादा मोइन साहब, अगर मगर की कहानी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान टीम ने जो करना था वो कर दिखाया, क्योंकि हमें उम्मीदें ज़्यादा नहीं थी इस टीम से। उसकी वजह यह थी कि ये टीम जो है ना, जो मुश्तमिल थी वो टेस्ट प्लेयर्स और वन डे प्लेयर्स ज़्यादा इसमें शामिल थे। इवन ये कि T20 प्लेयर्स ऐसे नहीं थे जो कि स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर्स कहलाते हैं। अगर आप हम मुझसे पूछें कि मेरी टीम क्या होती तो वो भी मैं आपको बताने को तैयार हूं। आप बता दें, ज्यादा बेहतर है। देखिए, इसमें होना ये चाहिए था कि कुछ ऐसे शफलिंग भी होनी चाहिए थी जिसमें आपको जो है ना, नीचे से आप आसिफ अली को ऊपर भेजते, आपके आजम खान टीम में होने चाहिए थे, आपके मीर हमजा जो इस टाइम फॉर्म में चल रहे थे, एक बॉलर उस टाइप का होना चाहिए था। आपको पता है कि लेफ्ट हैंडर्स जो है ना बड़ा कामयाब होता है। इवन ये कि हमारे जो मेन बॉलर्स थे, कहां गए वो नसीम शाह, कहां गए वो शाहिन शाह आफरीदी, उनका रिथम कहां चला गया, कुछ नजर ही नहीं आया इस मैच में। भैया इतना उसे रिधम पे तो उन्होंने फिर भी बॉल कर दी, 130 रन दिए, 131 का टारगेट दिया। क्या करेंगे बॉलर जब बैटर्स आपके कुछ नहीं कर पाए? देखिए, बैटर्स तो हमें मालूम था कि बैटर्स जहां ओपनर गए उसके बाद एकदम से जो है ना टीम बैठ जाएगी, ये तो हमें अंदाजा था। लेकिन इस मैच में हमें बॉलर्स की भी तो इतनी खासियत नजर नहीं आई। आप देखें बाकी टीमों के मैचेस उठा के देखें, इन जगहों पर स्कोर ज्यादा नहीं बन रहा, आपके बैटर्स ज्यादा अच्छा नहीं चल रहे। कोई ना कोई ऐसी विकेट होती है जहां पे कोई 200 रन बन रहे हैं, जो 170 160 प्लस बन रहे हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के मैचेस जिस ग्राउंड्स पे हो रहे हैं, यहां पे ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा, यहां पे 150 तक भी स्कोर विनिंग स्कोर कहलाता है। तो यहां पे हमारे बॉलर्स ने, अभी भी मैं कहूंगा कि अगर वसीम को जब हमने कहा था कि इंडियन टीम के खिलाफ खिला लें, चार फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था, उस टाइम आपने जो है ना वो तीन फास्ट बॉलर खिलाए। उसके बाद कल वाले मैच में जो जिम्बाब्वे के साथ था उसमें आपने जो नवाज थे उनको बॉलिंग नहीं दी, हालांकि आप उनके सिकंदर को देख लें जो स्पिन बॉलिंग से उन्होंने विकेट ली। शादाब ने आपके आउट किए उसके बावजूद जो आपने नवाज से बॉल नहीं करवाया। बात यह है कि आपने उसका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। कल वो इसीलिए नहीं चल पाया कि वरना एंड में आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ कर जाता है वो। मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग हिट लगती थी वो नहीं लग सकी। उनका जो कॉन्फिडेंस जाने की वजह से जो है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ एंड में हमारी पोजीशन इस टाइप की रही, बिल्कुल इस टाइप की आखिरी में रही। काशिफ फारूकी साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? अगर हमारे समझ लें कि दोनों बैटर्स अगर नहीं चलते हैं तो हम 130 रन का हिंसा भी जो है अबूर करने में नाकाम दिखाई देते हैं, गो के हमारे जो दोनों ओपनर्स अगर चलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। सर, आपका पहले तो शहजादा मोइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वेनिस में बुलाया। सर, हम आपको पता होगा कि आपके ही चैनल में बैठ के हमने एशिया कप से और अब तक जो है और अभी तक कर ही रहे प्रिडिक्शन, उस पर यह है कि आपसे पहले ही कहा था कि इसमें आप 3-2 से नहीं जाएं, इसमें 4-2 से जाएं, चार फास्ट बॉलर में खिलाते तो आखिर क्या 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 पूरे मीडिया में, तो चलो 4 से खिलाया। मगर अभी भी शाहिन शाह आफरीदी अभी फिट नजर नहीं आ रहा, जिस तरह की इसकी रिदम है, जिस तरह की इसकी स्पेस है, जिस तरह की इसकी स्विंग है, वो नहीं नजर आ रही। मगर फिर भी हमारे वसीम ने, मोहम्मद वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी कल बॉलिंग करी और साथ ही साथ शादाब की बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त थी। मगर हक वो जो मोहम्मद नवाज है उनको इसलिए नहीं दे सके कि ये ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके थे, मगर फिर भी इनको एक आध ओवर देकर चेक करना चाहिए था। जहां तक आप 130, मेरे हिसाब से ये 100 के अंदर की टीम थी। अभी भी एक्स्ट्रा 20 से 25 रन एक्स्ट्रा बने और पाकिस्तान की बैटिंग आई है तो वो लग ही नहीं रहा था कि ये फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इनको ऑलरेडी इनको 15-16 ओवर में फिनिश करना चाहिए था, यहां पर तो मैच ही हार गए। तो भाई, एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, सबको दुख हुआ है कि पाकिस्तान जीता तो दूर की बात है, इनको तो अपना एवरेज भी सही करना था। अब अगर मगर की गुंजाइश में जा रहा है, जैसे कि जाफर भाई ने कहा है, ये वाकई में पाकिस्तान के जितने भी दोनों मैच हुए दोनों बड़े ग्राउंड में हुए, वहां पर 140-145 रन बहुत होता है, जबकि इनको
पहली बैटिंग लेना चाहिए, क्यों अब प्रेडिक्शन इस तरह की है कि अगर बारिश हो गई जिसने पहली बैटिंग ली है उसको बेनिफिट ज्यादा है। बिल्कुल बेनिफिट ज्यादा है। जाफर साहब है बहुत से सवालिया निशानात इस टीम पर उठते दिखाई दे रहे हैं, अगर बात करें पीसीबी चेयरमैन के हवाले से रमीज राजा पे भी तनकीद हो रही है, सिलेक्टर्स पे भी तनकीद हो रही है, कप्तानी पे भी तनकीद हो रही है, लेकिन ये सारा बोझ सब पे उतरता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कोई तब्दीली नहीं हो रही। देखिए जिम्मेदार कौन है, मकसद ये है कि आया चेयरमैन जिम्मेदार है, आया कप्तान जिम्मेदार है या टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जिम्मेदार कौन है? देखिए आपने फिर कह दिया आपके कप्तान ने कि भाई हम गलतियों से सीख रहे हैं, इतनी बड़ी गलती करने के बाद आप अभी तक वर्ल्ड कप में सीख ही रहे हैं, ये समझ में नहीं आता ना। मकसद ये है कि जो परफॉर्मेंस रही है, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आप सीखते रहे भले आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप सीखते रहे जिससे भी मैचेस हों, लेकिन आप ये देखें कि आप वर्ल्ड कप का वो मैच खेल रहे हैं और वो इतनी हाई लेवल की टीम नहीं है जिससे हम हारे हैं। अच्छा जाफर साहब हाई लेवल की बात हो रही तो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई है जिम्बाब्वे की टीम, प्रेशर उस पर होना चाहिए बजाय हमने प्रेशर ले लिया। देखिए क्वालिफाइंग राउंड खेला वो रिदम में थी, उसको पिचेस का अंदाजा हो चुका था, उसने चार मैच आपके क्वालिफाइंग खेले हैं, उसके बाद आप जो है ना मैन मैचेस आपने खेले हैं, तो आप देखिए एक पॉइंट तो उनको वैसे ही मिल गया था इससे पहले वाले मैच में, लेकिन इंडिया से जो हम शिकस्त खाएं उसके दबाव में आगे हम इतने गिर पड़े हैं कि हम जिम्बाब्वे से भी हार गए, ये आप समझिए, क्योंकि और इतना दबाव था इंडिया का कि कप्तानी पे इतना बोझ था, आपने जो है ना मोहम्मद नवाज जो हमारा अटैकिंग बॉलर था उसके बाद उसकी जो कंडीशन हुई उसके आखिरी ओवर दिया गया उसको इंडिया के खिलाफ मैच में, और जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई ओवर ही नहीं दिया। आप ये देखिए बड़ा एक सेट बैक है हमारे कप्तानी का, बड़े लूप पोल्स नजर आए कि बाबर आजम ने जिस तरह कप्तानी की उसमें बड़े खामियां थी, इस वजह से लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, तो वजह यह है कि आपको पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा। देखिए अभी अगर मगर की कहानी चंद दिनों की है, उसके बाद सिलसिला सामने आ जाएगा, इतवार तक आपको फैसला हो जाएगा कौन सी टीम ने रहना है। आप तो हम इंडिया के मातहत नीचे चले आ रहे हैं क्या? अल्लाह करे कि इंडिया मैच सारे जीत जाए, अगर इंडिया एक भी हार गया तो हमारा आना बिल्कुल हमारा हारना मुश्किलात का बाइस बन सकता है। काशिफ साहब बात हो रही है शकलिंग की, तो हमने देखा कि शकलिंग हर जगह पर होती दिखाई दे रही है सिवाय ओपनर्स के, क्या समझते हैं कि शकलिंग यहाँ भी करनी चाहिए थी क्योंकि अगर बाबर आजम फॉर्म में नहीं है? शकलिंग तो होनी चाहिए थी मगर अब हम इस पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो दूसरे जो मुल्क है वो शुरू से तैयारी करते हुए आई है, इवन कि आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिम्बाब्वे से हारेंगे, हम तो सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका से कैसे जीतेंगे, साउथ अफ्रीका है अभी बांग्लादेश है अभी इनसे कैसे जीतेंगे, तो यहाँ पर आपने मगर मैंने आपको एक बात और भी बोली थी पहले, T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है इसमें कोई छोटी टीम और बड़ी टीम नहीं होती, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें बहुत सारे बैक साइड होंगे, बड़ी बड़ी टीम छोटी सी टीम से आ रही है, छोटी छोटी टीम बड़ी टीम को फाइट करेगी और वही देखते हुआ नजर आ रहा है। अभी और कुछ भी बाकी है मगर जहां तक अगर मगर तक गुंजाइश है वो 92 वाला वर्ल्ड कप हो गया कि बारिश हो जाए तो वो जीत जाए तो वो बराबर हो जाए, देखिए एडवांटेज तो उसको वैसे ही हो गया साउथ अफ्रीका से, अब देखिए हमारा मैच साउथ अफ्रीका से और बांग्लादेश से बाकी है, साउथ अफ्रीका भी एक मैच जो लूज करा है जिम्बाब्वे उनको, तो जिम्बाब्वे आगे निकल गया है तो अभी तो साउथ अफ्रीका से जीतना बाकी है कि उनके उनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, मगर एक बात तो समझ में आई है कि पाकिस्तान ने कम से कम चार फास्ट बॉलर से तो गया है तो ये एक अच्छा है, मगर अगर शाहिनशाह अफरीदी को इस वाले मैच में अगर रेस्ट देकर किसी और को खिला देते तो उसको रेस्ट भी मिल जाता काशिफ साहब इस टीम के अंदर हम देखते हैं जो सिलेक्शन हुई हुई है इस पे अगर फखर जमान की हम बात कर लें तो फखर जमान क्या समझते हैं कि जो हमारे भी जरा हैं वो यही कह रहे हैं कि फखर जमान इस वक्त शायद जो है अनफिट हैं जिसकी बिना पर वो मैचेस नहीं खेल रहे। देखिए बेंच में तो दो बंदे जो ऑलरेडी जिसका आप बोल रहे हैं एक राइट आर्म लेग स्पिनर कादिर और एक क्या नाम है आपका फखर जमान, ये तो दोनों तो बेंच पे बैठे हुए हैं, इनको तो एंजॉय ट्रिप हो रहा है अब इनकी तो बात ही छोड़ दे, मगर अब जो हमारे पास यही मिडिल ऑर्डर, हाँ इस जगह पर मेरे हिसाब से हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो जाफर भाई की अलग हो सबकी अलग हो, इस जगह पे हैदर की जगह पे इस टाइम आसिफ को खिलाना चाहिए था, हो सकता है आसिफ नहीं चलता मगर हार्ट अटैक के हिसाब से आसिफ की गुंजाइश बनती है, मगर अफसोस के हैदर भी नहीं चल गए पहली बॉल पे ही। बिल्कुल हैदर की बात हो रही थी तो हैदर अली भी जो है नाकाम होते दिखाई दे रहे। इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने, रियाज साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से क्योंकि पोस्टमार्टम तो हम करते दिखाई दे रहे, हर कोई तनकीद के निशाना और तीर मारता दिखाई दे रहा है लेकिन शायद ना ही कप्तान को यह खबर हो रही है ना मैनेजमेंट
बैट्समैन को ना चेयरमैन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा मोइन वो सॉन्ग सुना है आपने, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, यानी कि हमें अपने मुल्क से तो प्यार है। मसला कहने के ये कि वो अब इस बात को तस्लीम कर गए हैं कि अगर हम हारेंगे भी तो कौम हमें प्यार कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मैच हारो प्यार जो है बरकरार रहेगा। लेकिन कप्तान तो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी सीख रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये तो खैर मैं लाइटर मूड में कहा, लेकिन शायद संजीदगी की बात यह है कि जब हमारी नीयतें खराब हों और हम चीज़ों को रियलाइज करने की सलाहियत ना रखते हों और जब हम कौमी मफाद पर ज़ाती मफादात को तरजीह दें और मेरिट का कत्लेआम करें और लोग आपको छः महीने पहले बताते रहें कि आपके फला फला जगह जो है लूपहोल है इसको आप फिल करें, और फिर मतलब ये कि जो मेरिट पे खिलाड़ी हैं उनकी आपको शक्लें पसंद ना हो, आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है टीम में और वो जो है टीमें लड़कियों को सिलेक्ट करें। आपको याद है कि इसी विनिस टीवी पे हम कितने अरसे से ये बात कर रहे थे कि इस टीम में शोएब मलिक की जरूरत है, इस टीम में सरफराज अहमद जैसे खिलाड़ी की जरूरत है, इस टीम में अहमद वसीम जैसे खिलाड़ी की जरूरत है और इस टीम में फखर जमान जैसे खिलाड़ी की जरूरत है। जब आप मेरिट का कत्लेआम करेंगे नीयतें खराब होंगी तो यही होगा। मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारी टीम में जो है ना आसाब जो है बड़े कमजोर हैं, जब हम पर कोई प्रेशर आता है या करंट सिचुएशन होती है तो उस वक्त हमारे हाथ पैर जो है फूल जाते हैं। इंडिया के खिलाफ आपने तारीखी जीता हुआ मैच आपने हार दिया, इसी तरह जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ आप जो है मैच हार गए। भाई ये जमाना जो है ये 90 की 80 की दिहाई नहीं है, इस वक्त हम 2022 मतलब कि में जी रहे हैं और इस वक्त हमारी 24 करोड़ की आबादी है। 24 करोड़ की आबादी में अगर हमें मिडिल ऑर्डर के 3 बैट्समैन ना मिल सके या हमें अच्छे ऑलराउंडर ना मिल सके जबकि वो मौजूद है, जरूर है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की नजरे करम उन पर नहीं हो रही है। देखें जब नजरे करम नहीं होगी तो फिर यही होगा। देखें सरफराज को तो आपने उस वक्त हटाया जब वो कंसेक्यूटिव मतलब ये 13 मैचेस इंटरनेशनल जीत चुका था, उसकी मतलब परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। अब आप अगर देखें हम तो यहां पे रिजवान जो है नो डाउट हम कहते हैं रिजवान और बाबर को नजर ना लगे, अल्लाह ताला ये इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहे, लेकिन आप अपने लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक लड़का नंबर 1 एक नंबर 2 और पाकिस्तान नंबर 6 पे जा रहा है तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, आप सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल इसी पे जाफर साहब से बात करते हैं, नंबर और नंबर 2 के पोजिशन के हवाले से। जाफर साहब जिस टीम का वर्ल्ड लेवल पर T20 में जो ICC रैंकिंग है उसमें नंबर 1 नंबर 2 पर आपके बैटर्स मौजूद हो, टॉप 10 में आपके बॉलर्स मौजूद हो और उस वो टीम जो है जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाए। देखिए हम बात करते थे कि इंडिया जो है ना वो घर के शेर हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो है ना वो अपनी कंडीशन के शेर हैं। सर अपनी कंडीशन में भी कहाँ शेर हैं, हम तो अपनी कंडीशन में भी इंग्लैंड जो आ रहे हैं। आप पूरी बात तो सुन लिया करें शहजादे साहब, आगे तो चलने दिया करें। शेर का मकसद ये है कि हमारे दोनों ओपनर्स ने धुआंधार इनिंग्स खेल के यहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स बनाए, सिर्फ अच्छी बैटिंग नहीं की, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते रहे। अब जाके क्या हो गया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो रिकॉर्ड सारे भूल गए या सारी परफॉर्मेंस यही दिखानी थी? आप ऑस्ट्रेलिया की विकटों पे पहली दफा नहीं जा रहे, आप पहले भी जा चुके हैं, खेल चुके हैं, इन कंडीशन में आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब वर्ल्ड कप में क्या हो गया? हालांकि अगर हम देखें अबू धाबी में जो हुआ था, दुबई में जो मैचेस हुए थे लास्ट ईयर, उसमें परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी थी, लेकिन यहां जाके आपके दोनों ओपनर्स जो है ना फेल हो गए। आखिर क्या चीज है, कहाँ है वो कोच, कहाँ है वो वीडियो एनालिस्ट, वो कहाँ है सारे लोग जो कि टीम को और खिलाड़ियों को बकअप करते थे, उनको तैयार करते थे मैच खेलने के लिए? ऐसी कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दी। आप देखें वहाँ पे कोचेस बैठे हुए हैं, वो अपने बैठे हुए हैं, अपने तौर तरीके से चल रहे हैं, आप खिलाड़ी जा रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि हमने भेजना किसको, करना किसने, क्या करना है, तो ये थोड़ा सा लैक ऑफ प्लानिंग दिखाई। अच्छा खिलाड़ी आ रहे जा रहे की बात कर रहे हैं, जाफर साहब शान मसूद बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल रहे थे, क्या समझते थे कि इतने कम रन पर भी उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए या हमारे पास फिनिशिंग प्लेयर्स मौजूद अब नहीं है? देखिए शान मसूद T20 के प्लेयर तो नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्टली वो वनडे के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो टेस्ट के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, T20 एक अलग चीज़ है। अगर आप दो शॉट अगर जो है ना आप पीछे मार रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप T20 के प्लेयर हो गए, आपको पूरा मैच फिनिश करना चाहिए था जब आप खड़े हुए हैं। देखिए आप सेट हो चुके हैं, आपने 10 ओवर खेल चुके हैं, 12 ओवर खेल चुके हैं, आप तो आप मुकम्मल तौर पर सेट हैं, आपने उस मौके पर अपनी विकेट दी और कैसी विकेट दी यार, आप ये तो देखें ना किस तरीके से। तो बात यह है कि आप अगर चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे थे तो आपको फिनिश करना चाहिए था, जिस तरह विराट कोहली ने खेली इनिंग्स, जिस तरह आपके दूसरे रेली रॉक्सो ने इनिंग्स खेली, इस तरह की इनिंग्स देखिए लेफ्टी है ना उसी तरीके से खेलते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा फायदा होता है। आपके जिम्बाब्वियन बॉलर्स जो है ना वो लेफ्ट आर्म को कराने में मुश्किल पेश आ रही थी उनको, हम फायदा नहीं उठा रहे थे उससे,
बड़े काशिफ साहब, आज शाहिद आफरीदी का भी बयान आया है कि पाकिस्तान को अब कुछ तब्दीली जरूर कर लेनी चाहिए, क्या समझते हैं कि शाहिद आफरीदी ये बड़ा लेट बयान दे रहे हैं? ये सर ये तो एक अरसे से हम बोलते हुए आ रहे हैं, एशिया कप में भी हमने बोला, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में बोलते हैं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। वजह यह है कि बस यही लोग शेफलिंग होकर आगे पीछे आते रहेंगे, आसिफ हटेंगे तो हैदर आ जाएंगे, हैदर हटेंगे तो अब वो एक रह गया खुर्शीद शाह। अब हो सकता है उसको चांस दे दे, अब तो ये फायदा नहीं है ना। ये हमारे इस टाइम एक अरसे से दो महीने से यही कहते आए कि इसमें कुछ तब्दीली हो, कुछ मगर वही तब्दीली नहीं हो रही, उनको वही खेलना है। और एक बात है कि आपसे शुरू से यही बात कहते रहे आपके चैनल में भी और दूसरे चैनल में भी कि ये ओपनर यही आएंगे, और ये जाफर भाई बिल्कुल सही कहा, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो T20 फॉर्मेट का है। सिर्फ एक आसिफ कुछ नजर आता है कि वो दो ओवर एक ओवर खड़े हो कुछ ना कुछ करता है, मगर वो भी स्पिनर पे वो नहीं खेल पाता। आप अभी तक जितने भी इसकी एनालाइज करें इसकी बैटिंग में, उसमें ज्यादातर फास्ट बॉलर पर मारा है उसने, स्पिनर पे नहीं मारा। बिल्कुल रियाज साहब पे इसी पे बात करते हैं। रियाज साहब जिस तरह बात कर रहे हैं काशिफ साहब के आसिफ अली के हवाले से बात करते दिखाई दे रहे हैं कि स्पिनर्स पर जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, फास्ट बॉलर का अच्छा वो शॉट खेलते नजर आते हैं, लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि हैदर अली जिस तरह आउट हुए पहली बॉल पर, मजीद वो प्रेशर देकर चले गए उस सिचुएशन पर। शहजादा आप ये जो है ना किसी इंडिविजुअल मतलब प्लेयर्स का नाम लेके ये कहना कि जी उसको ये करना चाहिए था, वो ये करना चाहिए था, अगर ये करना चाहिए था तो चार छह महीने पहले कर लेते फिर आते हैं यहाँ पे, अब तो मतलब ये चीज खत्म हो गई। सीधी बात ये कि हमारे खिलाड़ियों में प्रेशर बर्दाश्त करने की हिम्मत और है ही नहीं, जब हम प्रेशर में आते हैं तो उसी वक्त हम हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और हम जो है सारा सब कुछ जीते हुए मैच जो है हार जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जिस तरह से हमारे जो बेंच ऑफिसर्स हैं उनमें कोई 8-10 बेंच ऑफिसर्स हैं, पता नहीं कौन कौन उसमें है, तो मुझे मैं ये हमेशा से कहता रहा हूँ कि एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए अच्छा सा जो हर वक्त टीम के साथ हो और वो बार बार उनकी काउंसलिंग करता रहे कि भाई देखें अब आपके जो है इंडिया के खिलाफ मैच है और ये आसाब शिकन मैच होगा और आपने आसाब पे काबू रखना होगा, आप इंडिया के खिलाफ जो मैच आ रहे हैं ये हारने वाले मैच थे, देखें ऐसी हम ये बात पहले ही करते रहे हैं शहजादा के ये जिम्बाब्वे हो गई है, आयरलैंड हो गई है, अफगानिस्तान की टीम हो गई, इन्हें आप कमजोर ना समझें। जिस वक्त आप मतलब इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप मतलब समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जब आप हो जाते हैं ना तो वहीं आप मार खाते हैं, और यही कुछ जो है जिम्बाब्वे की टीम को भी इन्होंने अंडररेट किया और उसी मतलब के सिनेरियो में ये मैच खेलते चले गए, और आप ये देखें कि इतने ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप रन्स भी मतलब के पूरे नहीं बना सके, आपके प्लेयर्स भी आउट होते चले गए। तो ये मसला आसिफ की हद तक या मतलब जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी हद तक नहीं है, ये माइंडसेट है हमारे खिलाड़ियों का। जब देखें जो खिलाड़ी मेरिट में नहीं होता और उनको जब इस तरह के बड़े बड़े मतलब इवेंट्स में वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में खेलने के मौके मिलते हैं तो वो उसका मतलब उसको मैच नहीं कर पाते, इसीलिए तो हम लोग और आप लोग सब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भाई शोएब मलिक को शामिल करो, सरफराज को शामिल करो, जिनको मतलब इतने बड़े इवेंट में प्रेशर बर्दाश्त करने के तजुर्बे हैं। वर्ल्ड कप जो है वो मतलब ये एक तजुर्बा करने की जगह नहीं होती, तजुर्बा का नहीं होता कि वर्ल्ड कप के में आप जो है तजुर्बे करें, आपको तो 2-3 महीने पहले ही सारी चीजें सेट करनी चाहिए थी। लेकिन बात यह कि अब रमीज राजा जैसे पहले ये कहा जाता था जब वो कमेंट्री करते थे, उनका जो अपना यूट्यूब चैनल था उसमें उनकी बातें कुछ और होती थी और अभी जो है उनकी बातें कुछ और हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वैसे पीसीबी चेयरमैन उन्होंने बाज बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं, लेकिन जहां वर्ल्ड कप की टीम का ये सिलेक्शन था उसमें यकीनन उनके मनपसंद खिलाड़ी भी शामिल हुए होंगे, और हो सकता है कि जो उनके मनपसंद खिलाड़ी नहीं थे उनको शामिल करने के लिए उनका मिजाज जो था वो उसको मैच नहीं करता था। सिलेक्शन कमेटी ऐसा लग रहा है इसमें कैप्टनशिप भी ज्यादा चल रही है, देखिए बात नहीं अच्छा ऐसा लगता है कि अंदर जो ग्रुप बने ना कहना नहीं चाहिए मगर अब कहना पड़ रहा है, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, तनकीद बराए इसलाह होना चाहिए। इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखिए है कैप्टन आपके बाबर आजम मगर कर कौन रहा है आपका रिजवान नहीं रिजवान आप इसमें कुछ कुछ नजर आ रहे हैं इसमें इसमें ग्रुप बने में कहना पड़ेगा आपको इसमें चल रही है आज तो थोड़ी चली तो काफी अरसे चल रही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है शहजादा ये आप ये देखो कि मतलब आपने अनफिट खिलाड़ियों का पूरा एक कुंबा रखा हुआ है। शाहिन शाह आफरीदी अनफिट है हॉलैंड के टूर से, ठीक है आप उसको हॉलैंड का टूर करा रहे हैं, उसको रिहैब में नहीं भेज रहे, फिर फखर जमान अनफिट था आपने उसको क्यों लिया, उस्मान कादर अनफिट था आपने उसको क्यों टीम में लिया, आपके पास एक वक्त था खास डेट थी आप लोगों को चेंज कर सकते थे,
फखर जमान अनफिट है अभी तक, स्टिल ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्ले आपके मैच। कंफर्म बता रहे हैं कि वो फखर जमान जो है इस वक्त भी अनफिट है, अनफिट है। देखना दो मैचेस निकल गए, आपने उनको मौका नहीं दिया, अनफिट है। फिर ये कि शाहीन शाह आफरीदी जो उसका एक रिदम था, जो पिछले वर्ल्ड कप तक वो बॉलिंग करा रहा था, तो अब तो वो बॉलिंग नहीं करा रहा, उसका पैर ही नहीं टिक रहा है, वो उसमें काटी नहीं रह गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आपके यहाँ जो मेंटोर हैं वो पता नहीं क्या किस तरह से अपनी टीम को लेकर आगे चल रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं खिलाड़ी उनको यार आराम आराम से यूज करो, उनको छोटी टीमों के खिलाफ मत खिलाओ, उनको रेस्ट दो ताकि वो आपके बड़े मैचेस में बड़े इवेंट में आपके काम आए। अब आपने उसको शाहीन शाह आफरीदी को जाया कर दिया, फिर आपने तीन बॉलर से गए आप फर्स्ट मैच में, आपको चार फास्ट बॉलर से जाना चाहिए था। तो आपने गलतियां जो है पे दर पे गलतियां की हैं, तो ये जो चीज है ये छोटी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल यार साहब, गलतियों की बात हो रही है तो जाफर साहब क्या कहेंगे, गलतियां तो अब कप्तान बाबर आजम भी बहुत कर रहे हैं, उन पर तनकीद भी अब बहुत हो रही है कप्तानी के हवाले से। अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम बाहर होती है तो शायद समझते हैं कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ेगा बाबर आजम को। देखिए चीफ सेलेक्टर को पहले तो जवाबदेह होना चाहिए, उसके बाद कप्तान को, फिर टीम मैनेजमेंट को, उसके बाद चेयरमैन साहब को। तो मकसद ये है कि टीम का बाहर होना नहीं चाहिए, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल खेले, कोई ना कोई चमत्कार हो जाए, कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बना दे, कोई बारिश हो जाए, कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। दूसरी बात रही फ़खर जमान की, जो आप बात कर रहे हैं, फ़खर जमान नो डाउट इंजरी का शिकार तो है, लेकिन इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। मुझे लगता है कि उसको खिलाना चाह रहे थे इंडियन मैच में, लेकिन चूँकि आपका जो शान मसूद है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वरना जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है ना वो बिल्कुल लाना चाह रहे थे कि उसको फ़खर जमान को डालना था। उसका रीज़न ये है कि शान मसूद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो उन विकटों पे खेले हुए भी थे, और फ़खर जमान चूंकि फॉर्म में नहीं थे, यहाँ इंग्लैंड की सीरीज़ उन्होंने नहीं खेली थी, और इसके अलावा जो है ना उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले थे। और जिस तरह आपने बात की कि टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ तो हो जाती है, जब शिकस्त होती है टीम की, शिकस्तों पे शिकस्त होती है तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शुरू हो चुकी है गड़बड़। काशिफ साहब क्या कहेंगे, कुछ देर पहले आप खुद यही कह रहे थे कि गड़बड़ नजर आ रही है टीम के अंदर, ग्रुप बंदी नजर आ रही है, तो कौन सा ग्रुप ऐसा है जो काम कर रहा है? सर देखिए, हर दौर में ग्रुप बंदी होती रही है और अभी भी फेवरेटिज्म चल रहा है। ये जैसे रियाज भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रमीज राजा जब अपने इसमें नहीं थे तो अपने यूट्यूब में रमीज़ राजा भी और मोहम्मद वसीम सेलेक्टर भी ये इन्हीं खिलाड़ी के बारे में बहुत क्रिटिसाइज़ किए, और बहुत से और क्रिकेटर भी है सबका जो आज बोर्ड का हिस्सा बने हुए तो आज वो खामोश बैठे हुए, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? और आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले के इतने कोचेस के एक पूरा पंडाल था कि फिट कोच और ये फील्डिंग कोच, तो ये कोच और तो बॉलिंग कोच और इधर का कोच, 8-10-15 लोगों का एक टोला है जो पीसीबी पे एक बोझ है। और एक साहब तो कहते हैं, मैं नाम भी लेना चाह रहा हूँ, वो तो कहते हैं कि अल्लाह जिताएगा, जब अल्लाह जिताएगा तो इतनी बड़ी फीस ले रहे हो और अल्लाह जिताने पे छोड़ रहे हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। बिल्कुल बात में देखो, अल्लाह ताला तो हमेशा मदद करता है, लेकिन जब आपकी नीयतें खराब होंगी तो फिर अल्लाह ताला भी साथ देता हुआ नजर नहीं आता। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि अनफिट खिलाड़ियों के हवाले से, तो मज़ीद बात करते हैं काशिफ फारूकी से। काशिफ फारूकी, अनफिट खिलाड़ियों की बात हो रही है तो हमने देखा कि यहाँ पर उस्मान कादिर को भी रिजर्व प्लेयर में रखा गया है, गो के वो अनफिट जरूर थे, क्या समझते थे कि उन्हें उस्मान कादिर का चांस अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने उनको जो है इंग्लैंड में खिला के आजमा लिया, वो दो बीच पे पाँव पे ही टिप्पा फेंक देते कि अभी उनको तजर्बा अभी और दरकार है बनिस्बत शादाब के। शादाब उनसे बैट्समैन में बैटिंग और बॉलिंग में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, तो अभी उसका चांस बनना बेकार है, मगर ये ले लेके एंजॉय ट्रिप करवा रहे हैं ना, तीन चार बस कर रहे हैं काशिफ साहब। देखिए बात ये कि जिसने अच्छा खेला, जिम्बाब्वे ने अच्छा खेला, पाकिस्तान हार गया,
अगर जिम्बाब्वे जरा सी भी उनकी फील्डिंग मिस पाकिस्तान का लग रहा था कि वो जीतने के मूड में ही नहीं। अरे यार ये तो आपकी फीलिंग है ना, ये बात ये सिंपल सी बात है, मैदान में कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बॉलिंग अच्छा कर रहा है, काशी में जाफर साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैदान के अंदर जो लड़ता दिखाई दिया कल, वाकई अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, क्या कहेंगे? देखिए शहजादा, जब कोई टीम अच्छा खेलती है तो उसका पूरा हक होता है जीतने का, जीतने की जिम्मेदारी दुनिया में हमने नहीं ली है। जब हमारे करतूत अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे, और इससे पहले जीते भी रहे। लेकिन जब आप में देखें आपका माइंडसेट मेंटली हो, सारी चीजें, आप फिजिकल फिट नहीं, आपका इंटरनेशनल मियार पे जो फिजिकल फिटनेस का लेवल है, आपके प्लेयर्स हैं उस मियार पे पूरे नहीं उतरते, आपका आईक्यू लेवल वो नहीं है। देखें दूसरे जो बैट्समैन है, जब बॉलिंग बॉलर गेंद कराता है तो वहीं उसके मतलब देख लेते हैं हाथ को भी, गेंद कहां जाएगी उसी हिसाब से, मतलब बैक फुट या फ्रंट फुट पे आते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं और मतलब स्ट्रोक खेलते हैं बहुत ही कम वक्त में अपने आप को एडजस्ट करके। हमारे बैटर्स में मेरा चंद एक बैटर्स हैं जिनमें ये स्लाइड है, बाकी तो किसी में भी नहीं है। ऑलराउंडर कहते कहते थक गए, छह महीने सारे यही लोग सब यही बात कर रहे थे कि जो जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं और तजिया निगार हैं, हम हैं, आप हैं, सब यही बात कर रहे थे कि भाई एक आम आदमी को जितनी फहम है क्रिकेट की, तो मैं ये समझता हूँ उतनी ही फहम है जितनी किसी एक अच्छे क्रिकेटर को साबिक को होती है। तो लोग मतलब क्रिकेट पाकिस्तान का पैशन है, लेकिन हम उसके मेयार पे उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हमें उसको लेना चाहिए क्रिकेट को, ना हमारे सिलेक्टर्स ले रहे हैं, ना हमारे पीसीबी के जिम्मेदारान ले रहे हैं, ना हमारे बेंच ऑफिसर्स ले रहे हैं, ना हमारे प्लेयर्स ले रहे हैं, ना हमारे सीनियर प्लेयर्स ले रहे हैं, ना कप्तान ले रहे हैं। तो जब इस तरह का माइंडसेट हो और इस तरह की चीजें हो तो फिर हमें ये दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, हमें अपने किबले को दुरुस्त करना पड़ेगा तमाम एंगल्स पे, फिर हम जो है कोई कामयाबी हासिल करते हैं। देखें दुनिया की जो टीमें आए हैं वो पूरी मतलब जोर लगा के, पूरी मेहनत करके, पूरी तैयारी करके आई है। किबला का मकसद क्या है, कौन सा किबला दुरुस्त करना है, इसकी भी डेफिनेशन दे दें प्लीज। किबला दुरुस्त करना ये कि आप अपनी नियतों को साफ करें, आप जो है जो मेरिट पे खिलाड़ी पूरे उतर रहे हैं उनको लें, अगर आप उनको शक्लें पसंद आपको नहीं है उनकी तो भी आपको लेना पड़ेगा। अगर मेरिट पे बोलते हैं तो जाती जाती पिछले 30 साल से हम सेलेक्टर्स को जो है ना वो मेरिट के जो है ना जिस तरह धज्जियां उड़ रही है, 30 साल की बात कर रहा हूँ, ये तो आप आज के वर्ल्ड कप की सर 5-6 साल से अभी तक अंडर 25 की टीम का टूर नहीं हुआ, ये बी टीम नहीं बनाई अभी तक, अभी जितने भी खेले वो टेस्ट क्रिकेटर और तकरीबन वनडे के हैं, तकरीबन सारे। बात ये कि जो आप देखें T20 का तो फॉर्मेट ही है, अगर हमारे ओपनर फेल हो जाते क्योंकि खेलना नहीं को है, अगर हमारे ओपनर फेल हो जाते तो आप मिडिल रोड में एक आज असल में एक अच्छे से बोल बोल के शान वसूल खिलाए खिलाए नजर आए थे कि शान मसूद को टीम में शामिल किया T20 फॉर्मेट में जो टीम सेलेक्ट होनी चाहिए थी वही नहीं हुई, तो आप जोर लगा ले, फलाना जोर लगा ले, फलाने की सिफारिश, जो पर्ची कल्चर है जिस तरह रियाज भाई कह रहे हैं, ये पर्ची कल्चर को खत्म करना है। हमारा माजरा जो है ना भाई खत्म नहीं होगा, हमारा माजरा देखिए, न्यूजीलैंड आने वाली है, पाकिस्तान आपके बांग्लादेश के अंडर 19 आने वाली है, आयरलैंड सर पे गड़ी हुई है वुमेन्स के लिए, आपका जो है ना वो धरनों का सैलाब निकल आया है, अब वो सैलाब की नजर हो जाएंगे। अभी वेन्यू चेंज कर दिया बांग्लादेश टीम का, आपको फैसलाबाद से आपको जो है ना मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये भी तो मसाइल है ना। ये माशरा हमारा जब तक होगा नहीं ठीक, जब तक हम अपनी प्रायोरिटी को नहीं बढ़ाएंगे इसमें, खेल में म्यार बेहतर नहीं लाएंगे, तो यही मसाइल। बिल्कुल जाफर साहब, अब ये सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान की, जाफर साहब तो अब क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मजीद अहम मैचेस अब समझ लें खेलने सारे। देखिए वही बात है, अगर मगर की कहानी है भाई, इंडिया को जो है ना मैच कोई ना कोई हारना है तब जाके कोई चांस बनेगा, साउथ अफ्रीका को जो है ना वो मैच जीतना है, और जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे को बांग्लादेश को हराना है। शहजादा अब ये सिचुएशन है जाफर की, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली हम जो है अगर मगर की बेसाखियों पर हम इस वक्त कायम हो गए हैं, और हमें जो है दुआओं की शिद्दत से जरूरत है, नियतों को साफ करने की जरूरत है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर तीनों मैचेस हम जीत जाएं और इंडिया या न्यूजीलैंड जो है अपने एक एक मैचेस से हार जाए
तो फिर हमें जो है फाका होगा, हमें शिफा मिलेगी, और यही इसका सबसे अच्छा वो है। हमें तो किबला दुरुस्त करना चाहिए, माइंड सेट को हमने जो है बेहतर करना है, वो उसको जो है हमें मेरिट पे लेके आना है। और देखिए हमारे पास न्यूजीलैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, मैं न्यूजीलैंड कह गया, न्यूजीलैंड जो है साउथ अफ्रीका, मतलब वो मैच हारे तब मतलब ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जब तक, सीधी बात यह है कि जब तक आप अपनी नीयतों को साफ नहीं करेंगे, मेरिट पे खिलाड़ियों को नहीं लेंगे, उस वक्त तक ऐसी होगा। आपने शहनशाह अफरीदी को टीम में शामिल नहीं करना चाहिए था। मदरसों में, मस्जिदों में बाकायदा दर्स दिए जा रहे हैं, आपको ग्राउंड पे नमाजें पढ़ाई जा रही है, नियतें साफ है। क्यों नमाजें तो इससे पहले भी इंजमाम के दौर में बात ये कि नियतें साफ होना और अपने अब दुआ में पाकिस्तान का जीतना और बारिश का होना, जाफर जी, सिर्फ नियतों का साफ होना ये कहना काफी नहीं है, बल्कि आपको उसको प्रैक्टिकली मतलब प्रूफ करना होगा कि आपकी नियतें साफ है। अगर आपकी नियतें साफ होती है, शोएब मलिक टीम में होते, ठीक है ना, उसके साथ साथ हमार वसीम टीम में होते, मट्टी बॉय रेहान भाई, वजह ये है कि अब तो नहीं है ना शोएब मलिक, अब तो सर ये जो आप कह रहे हैं ना मट्टी पाओ, उसी ने यहां पर पहुंचा दिया। हमने इसी बात पर दूसरे ग्रुप पे बात करते हैं, यही बात है, आपसे ये बात कहते हैं जावर साहब, दूसरे ग्रुप की बात करें तो, अरे दूसरे ग्रुप की बात होने बारिश हो रही है वहां पे भाई, ये भी अपने होम ग्राउंड पर बार होती हुई नजर आ रही है। देखिए बारिश हो रही है, बारिशों की वजह से जो है ना आज के दोनों मैचेस नहीं हुए, आयरलैंड अफगानिस्तान दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को दोनों को एक एक पॉइंट, दुरुस्त है। आप देखिए प्लीज बात करना दे मुझे काशिफ साहब, आप ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आखिरी नंबर पे है, आपको पता है कि उसको मैच जीतना बहुत जरूरी है, अब एक एक पॉइंट करके जो है ना ये पोजीशन आ चुकी है, तो इस टाइम दोनों ग्रुप में सिचुएशन बड़ी गंभीर है, आपको पता है। लेकिन जाफर साहब दूसरी तरफ हम देखें तो आईसीसी को भी अब थोड़ा इस पे नजरसानी करनी चाहिए, जिस मुल्क में वो टूर्नामेंट करा रहे हैं, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट हो, और उसके बाद जो है वेदर के हवाले से बातें, तो फोरकास्ट के हवाले से इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर ले आईसीसी, क्योंकि जितने मैचेस हुए अब तक बहुत माहौल को देखा जाता है, ऐसी बात नहीं कि हर चीज बाकायदा रिसर्च की जाती है। और ये तो देखिए कुदरत का एक तरीकाकार है, इस पे तो आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। और मतलब ये हमने जरूर सुना है कि चीन ने मतलब ऐसी मतलब ईजाद कर ली है चीजें जो अब वो बारिश भी कर सकेंगे और कर सकेंगे, लेकिन देखें ये तो कुदरत की तरफ से होती है बारिश। और आप लाख रिसर्च कर लें, लाख आपको पता, और देखें जितने भी, जैसे जाफर ने कहा बिल्कुल सही कहा कि जितने भी वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी शोबों के, खासतौर से वो टूर्नामेंट जो ओपन फील्ड में खेले जाते हैं, उस पर जो है बाकायदा जो मौके में मौसमियात होता है उनका कंसर्न और वर्ल्ड का जो होता है उससे बाकायदा उनकी राय ली जाती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमने देखा कि जो मौसमियात से उनका रिसर्च था तो उसके मुताबिक हमने देखा कि वहां पर मैचेस में बारिश होना था पाकिस्तान और इंडिया के में, लेकिन बारिश वहां पर नहीं। हाँ देखिए मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें बारिशें नहीं हुई है, अपोनेंट जो ग्रुप है उसमें बारिशें। जी जाफर आप कुछ कह रहे हैं, क्लाइमेट तो हर पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है, और आपको इस बात का पता होगा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब आया, क्लाइमेट का ही असर था, और जितने तबाही यहाँ पे मची है उसके वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो ये चीज तो एक अलग सी है, आप मौसम या इस पे जो है ना कुदरती आफात पे आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ आपका जो है ना अपनी तैयारी आप कर सकते हैं कि हमने तैयारी कैसे करनी है, हमने उस कंडीशन में कैसे खेलना है। देखिए आप उस कंडीशन में जा रहे हैं, जब आपका इंडिया से मैच था तो आपको मालूम था कि दो दिन पहले से बारिश चल रही है, तो आप कंडीशन का हिसाब से आप थोड़े से बैटिंग लाइन में शफल कर लेते, बाबर आजम रुक जाते, थोड़े से टू डाउन या थ्री डाउन चले जाते। तो मकसद ये है कि वहां पर ये चीज प्लानिंग की जा सकती है, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इस कंडीशन में हम खेल नहीं सकते थे, तो ये एक अलग चीज है। बाकी आपको मालूम है कि जितने मैचेस चल रहे हैं उसमें बारिशें हो रही हैं, इवन ये कि आपने बात की थी मौसम की, तो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है आपको पता है कतर में, और जिस तरीके से वहां के स्टेडियम तैयार किए गए हैं जिस फुटबॉल मैचेस के लिए, उन जगहों पे जहां पे शदीद गर्मी होती है उस जगह पे आपने देखा एसी लगा के एयर कंडीशन, पूरा स्टेडियम एयर कंडीशन और ऊपर से पूरा कवर, अगर वहां पर अगर ओपन पे भी खिलाए, अगर बारिश हो तो वहां पर फुटबॉल खेल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन ये जाफर और काशिफ साहब, ये जो है ना ये हर दुनिया का कोई मुल्क उसके पास उसकी इकोनॉमी जो है इतनी मतलब साउंड नहीं है, जिस तरह से कतर ने मतलब पैसा खर्च किया और जितना वो तवज्जो देते हैं और जितना कंसंट्रेट करते हैं। आप चले जाए कतर में तो आपको बच्चा बच्चा फुटबॉल खेलता नजर आएगा, जिस मुल्क में फुटबॉल का हो या क्रिकेट या हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वहां पर आने वाले 4 या 10 सालों में इतनी
बिजनेस या इतना वो ग्रो करता है, इसलिए लोग अपने ऊपर बिट लगा के अपने मुल्क में जो इनके पास फैसिलिटीज होती है तो वो वर्ल्ड कप कराने चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क, आज वो उसके रेंट, उसकी जो रुपए की कीमत है वो रेंट कहते हैं उसको, वो उस दौर में सन 2000 में इनके पाकिस्तानी 3 रुपए थे, आज वो 14 रुपए और 20 रुपए पे पहुंच गए। खैर डीवीएल तो हमारी है, मगर उनकी भी करेंसी आई हुई है। क्यों? उसने रग्बी का वर्ल्ड कप कराया, उसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कराया, उसने फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराया, काशिफ भाई वर्ल्ड कप वही कौमें कराती हैं जो जिंदा मतलब कौमें होती हैं, उसका सबूत देती हैं। हम जिंदा कौम तो जरूर, हमारे साउथ एशियन 3 बार वो हो चुका चेंज, देखिए साउथ अफ्रीका बात वही है कि रियाज भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो करने वाले लोग जो है ना वो मर चुके हैं भाई पाकिस्तान में, वो इंतजाम करते थे, टीमें बनाने थे बनाते थे, वो टैलेंट निकाल कर देते थे, वो सिलेक्शन मियारी हुआ करती थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, ये सारे लोग अब कहाँ चले गए, बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, ऊपर से पुश चले गए। अब जो नए लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर पैसा देखते हैं, बिल्कुल डॉलर पैसा देखते हैं। रियासा भी क्या कहेंगे, अब पाकिस्तान का अगला मैच है, समझते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी अगर मुकम्मल फिट नहीं है तो मोहम्मद हसनैन को टीम में चांस दिया जाए। देखें बात यह है कि अब तो मेरे ख्याल से कश्ती में सुराख हो गए हैं काफ़ी, और मेरे ख्याल से अब इन्हें जो है कश्तियां जलाकर और जो अपने प्लेयर्स हैं दूसरे उनको मौका देना चाहिए। शाहिनशाह आफरीदी से अब जो है परफॉर्मेंस नहीं निकल सकेगी, इसलिए देखें उसको अल्लाह ताला उसे नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छा बॉलर है, फ्यूचर में हमारे काम आएगा, उसको जो है अनफिट है, वो पूरी तरह से पैर नहीं जमा पा रहा है, वो अपनी जो क्लास होती थी स्विंग नहीं कर पा रहा है, तो खुदारा मतलब उसके साथ रहम करें। आपकी परफॉर्मेंस तो इस वर्ल्ड कप में अब तो मतलब ये कि दुआओं के सहारे है, बाकी परफॉर्मेंस तो आपने दे दी जो देनी थी, इतनी ही परफॉर्मेंस दे सकते थे, इससे आगे नहीं दे सकते, लेकिन हमारी दुआएं टीम के साथ हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम में ये भी कैपेबिलिटी है इन तमाम चीजों के बावजूद कि अगर वो देखें ना, हम हमेशा क्या कहते हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारा हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, और उसका सबूत ये बार-बार देते हैं, एक मैच खेलते हैं तो अर्श पे चले जाते हैं, दूसरा मैच खेलते हैं तो फर्श पे आ जाते हैं। भाई आप में मतलब ये कि एक म्याना रवि होनी चाहिए, आप में संजीदगी होनी चाहिए, आप अपना जो स्कोर बोर्ड लगा हुआ है जब आप खेल रहे हैं, चाहे बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, तो स्कोर बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका IQ लेवल इतना हर प्लेयर का इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बजाय इसके कि आपको मतलब वहां से पवेलियन से आपके ऑफिसर्स आपको कुछ भेजें, आप स्कोर बोर्ड देखें और उसके हिसाब से चलते रहें। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं शुरू में आपके ओपनर्स आउट हो गए तो जो मिडिल ऑर्डर आते हैं वो जो है अपना रन रेट जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन करें। आप यार मतलब कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? रियासा स्ट्राइक रेट की बात हो रही है तो काशिफ से बात करते हैं। काशिफ स्ट्राइक रेट है हमारा क्यों नहीं हम तेज करना चाह रहे, क्या वजूहत है? अगर देखें तो दोनों ओपनर्स हमारे जो हैं उनके 138-130 के करीब स्ट्राइक रेट है, समझते हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं और कौम के लिए नहीं खेल रहे। उन्होंने अपना तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त T20 में 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे है, वनडे में वो 1st पे है, वो 3rd पे, वो इस चीज़ समझ में आ रही है। मगर आप ये तो देखें जो स्ट्राइक रेट जिसके ज़्यादा हैं शुरू के 6 ओवर आप ऐसा खेलें दायरे के अंदर, उस पर आप फंस के खेल रहे, ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच खेल रहे भाई, 1-2 शॉट इसमें आड़े तिरछे निकलते हैं। आप देखें मैंने आपसे कहा था कि जब पाकिस्तान में खेल लेते हैं इंग्लैंड से कराची में, उसके पीछे लगे उसके वेदर अलग है, इसके बाद इंग्लैंड में जाएंगे इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, वहां पर ऑस और ड्यू फैक्टर होता है। इसी तरह मैंने कहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया में होगा वर्ल्ड कप तो उसमें जो ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें हाइट पे बॉल आएगी, गुड लेंथ पे आएगी। ये अभी भी पुल पे जा रहे हैं, आप नोट करें अभी भी सारे पुल की प्रैक्टिस ही है, ये नहीं हल्का सा बंदा ऊपर रख के टच करके पीछे आप की तरफ खेल ले, हर कोई सामने फ्रंट पे मारते हुए दोनों फ्रंट पे मारते हुए आउट हो। वैसे काशिफ भाई बात ये है कि जो चलाकी होनी चाहिए, इधर T20 ऐसे फॉर्मेट है, इसमें ना छोटी टीम है ना बड़ी टीम है, छोटी छोटी टीम बिल्कुल। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और काशिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मुईन को इजाजत दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।